खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। कुचेरा के देशवाल सरहद पर अवैध हथियार बनाने के कारखाने का पुलिस ने किया भंडाफोड़। उत्तर नागपुर युवक कांग्रेस ने की वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग। क्या राज्य सरकार को दिया जा सकता है आधार का डेटा? विधानसभा चुनाव को लेकर नागौर पुलिस भी सुरक्षा के लिहाज से पूरी सतर्कता बरत रही है। पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर ने लाइसेंस शुदा हथियारों को जमा करवाने के निर्देश सभी थानों को दिए हैं। कुचेरा थाना के अंदर हमने एक गिरोह का पकड़ने में सफलता हासिल करी, जिसका की काम अवैध हथियार बनाना और उनको आगे बेचना था। इस सिलसिले में 4 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 4 हथियार भी बरामद हुए हैं और जो लोग इस प्रकरण में शामिल थे, जो हथियार बनाते थे, वो हथियार बनाने की फैक्ट्री और उसके जो सामान है, वो सारे सामान को भी हमें बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें पूरी टीम में जो शामिल रहे लोग, उनको हम इनाम भी देंगे और इस चेन के आधार पर आगे जिन लोगों के पास भी अगर हथियार होने की संभावना है, जिनको इन्होंने बेचे, उनके बारे में हम आगे की कार्यवाही नियमानुसार जारी रखेंगे। किस तरह के हथियार बनाते थे, किन क्वालिटी का था, क्या किस तरह के हथियार बनाते थे, सप्लाई करते थे? देशी स्तर के हथियार बनाते थे, खासतौर से जो बंदूक टाइप के जो हथियार होते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में काफी वन बागरी रहते थे, उन लोगों को ये देते थे। उन लोगों को भी हम लोग तलाश कर रहे हैं और तस्दीक करके उनको भी जल्दी कार्यवाही करेंगे। युवक कांग्रेस द्वारा कड़वी चौक क्रिश्चियन कॉलोनी के केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की गई। राज्य सरकार को आधार कार्ड का डेटा क्या दिया जा सकता है? इस मामले में केंद्र सरकार ने मांगे गए जवाब को देने के लिए सरकार ने एक हफ्ते का समय मांगा। तो दर्शकों, खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।